कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में ही सिक्के पैसे आदि वगैरह पड़े हुए प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे में मन में हमेशा यही सवाल उठता है कि इन्हें उठाएं या ना उठाएं, इसे उठाना शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा, या फिर किसी ने कुछ करके तो जादू टोना आदि वगैरह करके तो नहीं रख दिया है। तो इससे जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं या जितने भी संकेत होते हैं ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ ये भी बता दें कि ये जो सिक्के पैसे आदि वगैरह प्राप्त होते हैं कई बार तो इन्हें जादू टोना आदि करके यूं ही रख दिया जाता है और कई बार यूं ही किसी के गिर भी जाते हैं। तो इन चीजों को कैसे आपको समझना है ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं पर अचानक से कुछ पैसे सिक्के आदि वगैरह पड़े हुए मिल जाते हैं। तो कई लोग तो ऐसा होता है कि इन्हें यूं ही उठा लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि इन्हें उठाते नहीं है, इनके पास से यूं ही गुजर जाते हैं। तो आपको बता दे क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है कि सिक्के और पैसों को कई बार यूं ही छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर किसी पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह हुई होती है या भूत प्रेत आदि की समस्या रहती है तो उनकी चीजों को उतार कर इन्हें सिक्के पैसों को उनके ऊपर से उतार कर यूं ही फेंक दिया जाता है, जिससे जो भी व्यक्ति इन्हें उठा लेता है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य उसे घेरने लग जाता है, अचानक से ही उसके जीवन में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो इस प्रकार के सिक्के या पैसों से बचने के लिए आपको कुछ खास चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले चीज तो ये है कि जब भी आपको सिक्के या पैसे पड़े हुए दिखते हैं तो एक चीज ये ध्यान रखिए कि उन सिक्कों पर पैसों पर सिंदूर बिल्कुल भी ना लगा हो या फिर उन सिक्कों या पैसों के साथ कोई और सामग्री बिल्कुल भी ना हो, जैसे नींबू मिर्च आदि वगैरह, किसी पौधे की जड़ या फिर फूल पत्ती आदि वगैरह, इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है उन सिक्कों या पैसों के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपको यूं ही सड़क पर सिक्के या पैसे पड़े मिल जाते हैं और केवल यूं ही पड़े मिलते हैं तो फिर इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है, इन्हें आप यूं ही उठा सकते हैं, इनके काफी ज्यादा शुभ संकेत भी होते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीजों से आपको सतर्क रहना है ये भी हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है, जिससे आप हमेशा ही परेशानी से बचे रहे और इन चीजों को जान सके कि किस प्रकार की चीजें होती है। ठीक इसी प्रकार आपको बता दे कि पैसों का मिलना काफी ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आपको कभी भी कोई पैसा मिलता है, नोट सिक्के आदि वगैरह मिलते हैं तो उन्हें देखकर आप तुरंत मन में खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार जब पैसे खो जाते हैं, चाहे एक रुपया भी आपका खोता है, पाँच रुपए भी खोते हैं, तो उनके खोने के समय आपको दुख होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई आदमी कितना भी अमीर हो और उसे अचानक से एक रुपया भी अगर प्राप्त हो जाए तो उसे अचानक से ही खुशी अंदर महसूस होती है, और वह भी केवल इसलिए होती है क्योंकि पैसों का मिलना काफी ज्यादा शुभ संकेत पितरों की ओर से बताया जाता है। हमारे जो पितर होते हैं वह इसी प्रकार के संकेत देते हैं। जीवन में पैसे सिक्के प्राप्त होते हैं तो तुरंत समझ जाना चाहिए पितरों की तरफ से कोई न कोई संकेत अवश्य ही मिल रहा है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा और उस दौरान अगर आपको पैसे सिक्के आदि वगैरह मिलते हैं तो तुरंत समझ जाइए कि इस परेशानी से आप निकल पाएंगे और वह आप कारण ही निश्चित होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दुख और चिंताओं के कारण भटक सा जाता है और उसे यूं लगता है कि उसके जीवन में बहुत परेशानी आने वाली है और बहुत दुख आने वाले हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो उसके पितर उसके कुल देवता उसको इसी प्रकार के संकेत देते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा चिंता में हैं और किसी ऐसे कार्य में जा रहे हैं जो आपको लगता है बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें आपका नुकसान हो सकता है या फिर आपके मन में कोई ना कोई संदेह है, सवाल है, जैसे कई लोगों के मन में होता है कि जब नया घर लेना चाहते हैं या नई गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो उनके मन में ये सवाल होता है कि ले या ना ले, नुकसान होगा फायदा होगा, इस प्रकार के भी तरह के सवाल मन में उठते हैं। तो आपको बता दें जब भी ऐसे सवाल उठते हैं और आपके पितर अगर आपको जवाब देना चाहते हैं तो इसी प्रकार की चीजें प्राप्त करवाते हैं, संकेत देते हैं इन्हीं चीजों के अनुसार, इन्हीं चीजों को प्राप्त करवा कर कि इस कार्य में आगे बढ़ जाओ, कोई भी परेशानी नहीं है, तो इस प्रकार के संकेत देते हैं। क्योंकि वह तो आपसे बात नहीं कर सकते, वह केवल आपको संकेत दे सकते हैं, आपको यूं ही समझा सकते हैं या सपने में भी दिख सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीजों से डरता है, सपने में कोई बोले उससे बात करे, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार से डर जाए तो पितर कभी भी उसे परेशान नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके पितर उससे बात करे और वो उनसे कोई मनोकामना रखता है, इच्छा रखता है और अपने पितरों से रिक्वेस्ट करता है या उनसे बहुत प्यार करता है तो अवश्य ही उसके पितर उसके सपने में निश्चित ही आते हैं। पितर भी इस बात को समझते हैं कि सामने वाला डर जाएगा या नहीं डरेगा, तो इस प्रकार के संकेत देते हैं। कई लोगों के सपने में तो पितर आते भी हैं और ये सारी चीजें, ये सारे आने वाले संकट के बारे में भी बताते हैं, उन्हें आगाह करते हैं, इसलिए पितरों को ढाल कहा जाता है। जिसके भी पितर उस पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए ढाल का कार्य करते हैं और वह अपने जीवन में निश्चित ही सफलता को पाता है। तो अब तो आपने ये जान लिया है कि पैसों का मिलना शुभ होता है, लेकिन आपको बता दे कि शुभ संकेत को आप अपने लकी चार्म की
तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खास तरह से क्रिया करके प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का या 10 रुपए का कोई भी सिक्का कॉइन आपको प्राप्त होता है, तो उसको सबसे पहले ले जाकर पंचामृत में आप अच्छी तरह से धो ले, क्योंकि ये पितरों के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होता है। और इस सिक्के को, इस पैसे को आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी इसे खर्च न करे, बल्कि इसे घर में संभाल कर रखे। उत्तर दिशा में कहीं भी किसी भी अलमारी में या किसी भी भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर के नीचे इसे आप स्थापना कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें सिक्के, पैसे आदि वगैरह मिल भी जाते हैं और उनकी वह चाउमीन, बर्गर आदि वगैरह खा भी लेते हैं, तो इससे उनके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के सिक्के पितरों का आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होते हैं और इन्हें, क्योंकि सौभाग्य जिससे आपके जीवन में हो आपके पितरों ने आपको प्रदान करवाया है, प्राप्त करवाया है, और इसी सौभाग्य को अगर आप खर्च कर देते हैं तो इससे दुर्भाग्य निश्चित ही शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के सिक्के, पैसे आदि वगैरह कभी भी अगर आपको मिलते हैं तो बिल्कुल भी खर्च ना करें, बल्कि अपने पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में किसी भी अलमारी में किसी भी तस्वीर के पीछे या नीचे इसे स्थापना करके रख दें। ये एक लकी चार्म की तरह कार्य करता है और जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आपको कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है, तो अगर इस सिक्के को या फिर इसी पैसे को माथे से लगाकर पितरों को फिर से याद किया जाता है और पितरों से कोई मनोकामना बोली जाती है या कोई इच्छा बोली जाती है और उनके लिए अमावस व्रत रखा जाता है या फिर शुद्ध गाय के दूध की खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो इससे आपके पितर अति प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर किया करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।